शिव बलवादिनाथ भगवान की जय। और अब हम सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए पाठशाला की दो छात्र आत्मी जैन और देशना जैन को मैं मंच पे बुलाता हूं संचालन के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय जिनेन्द्र। आत्मी, क्या आपको पता है अष्ट मंगल द्रव्य क्या होते हैं? हाँ, तीर्थंकर भगवान के समोचरण में जिस स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ दूसरी पीठ पर नौनिधिया, घट, धूप एवं अष्ट मंगल द्रव्य विराजमान होते हैं। अष्ट मंगल द्रव्यों के नाम तिलोय पर्णति ग्रंथ के अनुसार जारी, कलश, दर्पण, चंबर, बिजना, स्वस्तिक, छत्र और सुप्रतिष्ठ होते हैं। ये सभी अष्ट मंगल द्रव्य प्रत्येक जिन प्रतिमा के पास स्थापित होते हैं। समव शरण में इन्हें अष्ट मंगल द्रव्य स्वरूप है। इन्हें अष्ट मंगल द्रव्य भी कहा जाता है। आज अष्ट मंगल द्रव्य को लेकर आ रहे हैं आर्या मेहता, प्रीशा संघवी, इशिता जैन, रावी मेहता, रीवा शाह, स्वस्ति गढ़िया, प्रीशा शाह और अव्या। हेलो। पहला प्रातिहार जारी। जारी जैसे जारी में बहुत पानी भरा होता है पर वह थोड़ा थोड़ा ही निकलता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान अनंत ज्ञान और केवल ज्ञान के धनी होते हैं, पर उनकी वाणी में द्वाचांग का वर्णन एक साथ न होने की जगह क्रमश होता है। दूसरा प्रातिहारी कलश अरिहंत भगवान अनंत गुणों से परिपूर्ण हो गए हैं, इसीलिए लोक में भरे हुए कलश को मंगल माना जाता है। तीसरा प्रातिहार्य दर्पण। जैसे दर्पण में दूर और पास के सभी पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं और वे दर्पण में प्रवेश नहीं करते और दर्पण दर्पण उन पदार्थों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही भगवान के केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व के सभी पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं। ज्ञान में पदार्थ प्रवेश नहीं करते और केवल ज्ञानी का ज्ञान सबको जानकर भी उनसे अप्रभावित रहता है। चौथा प्रातिहार्य चवर। शत्रु समूह से विजय प्राप्त करने वाले राजा के दोनों ओर से चवर दुराए जाते हैं। चवर ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। इस प्रकार अरिहंत भगवान ने कर्म रूपी शत्रुओं से विजय प्राप्त कर लोक में स्वामी बने हैं, इसीलिए उनके दोनों ओर से चवर दुराए जाते हैं। पांचवा प्रातिहार्य बीजना। बीजना यश कीर्ति और विजय का प्रतीक विजय का प्रतीक होने से उसे मंगल माना गया है। छठा प्रातिहार्य छत्र। छत्र का अर्थ आश्रय है। जगत में सर्व जीवों को मोक्ष मान की शरण देने वाले अरिहंत भगवान भी छत्र के समान है। जैसे छत्र से धूप बरसात आदि का बचाव होता है, अरिहंत भगवान की शरण प्राप्त करने से संसार के सभी दुखों से बचकर मोक्ष सुख प्राप्त होता है। सातवां प्रतिहार्य स्वस्तिक। स्वस्तिक चार गति के नाशक और मोक्ष सुख दर्शाने वाला मंगल चिन्ह है, इसीलिए उसे मंगल माना जाता है।
अथवा प्रातिहार्य सुप्रतिष्ठ, सु अर्थात अच्छी तरह से, तिष्ठ अर्थात होना, विराजमान होना। अर्हत प्रभु अपनी महिमा में अच्छे तरह स्थापित, अच्छी तरह से स्थापित है। अनंत काल के लिए अपने आत्मा में लीन हो गए हैं। मऊ शरण में अर्हत प्रभु कम चार अंगुल ऊपर दे, इसके प्रतीक के रूप में सुप्रतिष्ठ को मंगल द्रव्य माना गया है। ताली पर जाकर के बस्त्रापुर के करेंगे। इन्होंने जो अस्त्र प्रातिहार का जोरदार हाथ ऊपर करके इन बच्चों बनना चाहिए, क्योंकि को अस्त्र प्रातिहारियों के नाम नहीं मालूम। आज मैंने पहली बार के लिए छोटे बच्चों ने क्या याद किया, क्या समझा कक्षाओं में, क्या पाठशाला में बच्चों ने समझा, उसकी एक छोटी सी झलक। जय गुरु के दर्शन करने मुझे आत्मा के दर्शन करने मुझे जाने की सेवा करनी है, मुझे समाज पक्की करनी है, मुझे मोह का अंधेरा करना है, मुझे 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 संसार से मोक्ष जाना है, मुझे चटपट मोक्ष जाना है। जोरदार ताली बजा के इस बालिका का स्वागत करें।